हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। मैं आज आपके साथ काफ़ी हेल्दी बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे व्रत में खा सकते हैं या जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसे बना सकते हैं, काफ़ी झटपट बन जाता है। मैं आपके साथ आलू की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें ले लेना है 2 आलू, ये मीडियम साइज़ का आलू है। इसके छिलका हटाने के बाद धो लेना है। और 1 बाउल में हमें ले लेना है पानी। और अभी हमें इसे आलू को जो है ना ग्रेट कर लेना है, थोड़े बड़े वाले में लंबाई में इस तरीके से हमें ग्रेट करना है। थोड़ा मोटा मोटा ही ग्रेट करना है, देख सकते हैं इस तरीके से। सारे आलू को इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो अभी हमें इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है 2-3 पानी। उसके बाद इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो देख सकते हैं एकदम क्लीन हो चुका है। तो अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है कढ़ाई, और इसमें डालना है 1/2 चम्मच घी। घी में ही रेसिपी बनाइएगा, काफ़ी यमी लगता है। घी को अच्छे से गर्म होने देना है। तो देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डालना है कटे हुए ड्राई फ्रूट। मैं काजू, बादाम और पिस्ता डाल रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है उसे डाल सकते हैं, या फिर बिना ड्राई फ्रूट के भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। हमें चलाते हुए इसे हल्का भूनना है। तो देख सकते हैं ये हल्का भून चुका है। तो अभी हमें कढ़ाई से ड्राई फ्रूट को निकाल लेना है, और अभी हमें वापस कढ़ाई में डालना है 1 चम्मच घी। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है। घी को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो देख सकते हैं घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें ग्रेट किए हुए आलू को डाल देना है, और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। आलू भून जाता है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाता है। हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जिससे आलू का जो कच्चापन है वो भी समाप्त हो जाएगा और आलू कुछ पक भी जाता है। तो इससे ये रेसिपी काफ़ी यमी लगता है। तो आलू को चलाते हुए हमें भून लेना है। तो देख सकते हैं आलू अच्छे से भून चुका है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है 1/2 लीटर दूध। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। 1/2 लीटर दूध में एकदम परफेक्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा ना बहुत ज़्यादा पतला होगा। खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप अगर चावल का खीर बनाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। काफ़ी कम टाइम कम मेहनत में बनकर तैयार होता है। तो हमें इसे चलाते हुए पकाना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है। लो हीट पे इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने देना है। 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा, काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। हमें बीच में इसे स्टर करते रहना है। ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपका कोई फास्ट हो या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो तो इसे आप बना सकते हैं, काफ़ी झटपट बनता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख सकते हैं मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ। आप दूध देख सकते हैं कि थोड़ा ठीक हो चुका है, थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है चीनी। आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं इसमें लगभग 100 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी के क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसे हमें चला लेना है। शुरू में अगर चीनी डाल दीजिएगा तो आलू अच्छे से पकता नहीं है, इसलिए हमें चीनी को लास्ट में डालना है, जब आलू अच्छे से कुक हो जाए, दूध थोड़ा ठीक हो जाए। और हमें इसे चलाते हुए 5 मिनट के लिए और पकाना है। तो 5 मिनट हो चुका है। तो अभी हमें इसमें 2 इलायची कूट कर डालना है। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मैं साबुत इलायची को कूट कर डाली हूँ। और अभी इसे चलाते हुए थोड़ी देर और पकने देना है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट खीर बना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। तो अभी हमें इसमें डाल देना है ड्राई फ्रूट जो भून कर रखे थे उसे, और इसे हमें चलाकर 2 मिनट और पकाना है, जिससे जो ड्राई फ्रूट है थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। गैस का फ्लेम लो कर लेना है, और इसे हमें 2 मिनट के लिए और पकने देना है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खीर तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर लेना है, और अभी हमें इसे 1 बाउल में निकाल लेना है।
अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ा आपको पतला दिख रहा होगा, जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये काफ़ी थिक हो जाएगा। बहुत ही यम्मी, काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी झटपट बनने वाली रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आलू की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार है, वो भी कुछ ही मिनटों में। आप इसे व्रत में खा सकते हैं, जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन हो या अचानक से कोई गेस्ट आ गए हो तो उन्हें इस रेसिपी को आप खिला सकते हैं। और अभी हमें ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देना है। बहुत ही टेस्टी, काफ़ी यमी आलू की मज़ेदार खीर बनकर बिल्कुल तैयार है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।